ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे ये तो बहू की किताब पढ़ रही है ना, क्या लिखा है बहू ने? आप जानेंगी ना भाभी माँ तो चौंक जाएंगी। मुझे तो समझ में नहीं आता घर की बातें लिखने की बहू को जरूरत क्या थी। हमारी बातों का इतना उल्टा मतलब निकाला है बहू। बताती हूँ, हम दोनों पंडित से पूजा कराने जाते थे ना, वो सब लिखा है। कोई पड़ेगा तो हंसेगा हम पर। अच्छा देखो, हमने कहा था ना घर का यही हाल होगा। अरे कैसा बेटा दादू कैसी है? काका राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, आप लोग इतनी जल्दी आ गए? वो क्या है ना कि जैसे ही हमने सुना कि घर पे नक्श आया है तो मीटिंग कल पे टाल दी। अब नक्श से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कोई मीटिंग है नहीं, है कि नहीं? कभी कभी तो इससे मुलाकात होती है। लाइए ना, हमें दीजिए ना। जी आप पहले हाथ मुंह धो लीजिए ना। अरे हाथ मुंह सब साफ है एकदम, देखिए ना हमें सब पता है। आप लाइए इसे दीजिए। पर देखो नक्श, बोलो मामा। बोलो बोलो मामा, बोलो मामा। नहीं नहीं चीकू, बोलो, बोलो छोटे मामा। कैसे छोटे मामा? अंशु तुम जाके पढ़ाई करो अपनी। हाँ अंशु, जब से चीकू आया है उसी के साथ लगा है। छोटी खेलने देना उसे। अच्छा ठीक है, पहले यहाँ आकर ठीक से बैठो फिर दूंगा। आओ जाओ जाओ छोटे से मोटे से मामा के पास। वर्षा हाँ हाँ मुझे पता है आपको क्या पूछना है। आपकी लाडली ऊपर। हाँ वही पूछने आया था। हमारी लाडली बहन का कमरा तैयार हो गया, कुछ चाहिए तो नहीं बोल देना। और हाँ अगर नक्श के लिए भी कुछ चाहिए होगा तो भी बोल देना। नहीं सब है, मैंने देख लिया है। मुझे लगा कि आप श्योर। जी माँ। बेटा सुन, देखना दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, एक तस्वीर तो खींच दोनों की। जी माँ। अच्छा तो आपने खुद ही लल्ला को उसके ननियाल भेज दिया? भाई वाह, आज हमने सूरज को पश्चिम से निकलता देख लिया। छोटी दुल्हन ने बहू की खुशियों पे कभी रोक लगाई? जज्की के बाद भी तो गई थी बहू, लेकिन जल्दी आ गई। अब मुन्ना ना है, इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है बहू को मायके भेजने का? कहा जा पाती है लड़कियां जल्दी अपने मायके। एक शहर में होके भी माँ बाबू जी का लाड़ू ने कहा मिल पाता है। और इस बार तो लल्ला भी है साथ में, हाथों हाथ रखा होगा सबने उसे। लल्ला और बहू का सामान भिजवा दिया था मैंने, अब तक तो पहुंच गया होगा। बड़ी बहू। जी माँ। अंशु को दूध दे दिया? जी माँ, वो तो सोने भी चला गया है, पढ़ने के लिए जल्दी उठा था ना। माँ मैंने चिकु फोन करती हूँ। माँ वो गंगौर की तैयारियों के बारे में आपने पंडित जी से बात कर ली? हाँ बेटा, उनसे मैंने बात कर ली, पर सवेरे दफ्तर जाते हुए समय उनसे मिल लेना। ठीक है माँ। मीटिंग कैसी रही आपकी? बस अच्छी रही, अभी तो सिर्फ क्लाइंट से मिले हैं, कल मिस्टर राठौर के साथ मिलकर सारी प्रेजेंटेशन पूरी कर लेंगे। नक्श कैसा है? बिल्कुल ठीक है, लगता है आपको बहुत मिस कर रहा है। हाँ अक्षरा, आपको एक मजेदार किस्सा बताना चाहता हूँ। फ्लाइट में मेरे बगल में ना एक लेडी बैठी हुई थी, उनका बच्चा जोर जोर से रो रहा था। शायद फ्लाइट में पहली बार ट्रैवल कर रहा था इसलिए काफी परेशान था। और फिर फ्लाइट में तो वैसे भी बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। अरे बाबा मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, फिर मैंने उसे गोद में उठा लिया और उसके साथ खेलने लगा। फ्लाइट लैंड होने तक जनाब मुझे ही देखकर मुस्कुराते रहे और उसके मम्मी पापा भी काफी परेशान हो गए कि भाई मैंने ऐसा क्या जादू कर दिया उस पर। फिर मैंने उन्हें नक्श के बारे में बताया। वैसे दूसरों के बेबियों को आप बहुत चुप कराते हैं, खुद का बेबी तो आपसे चुप होता नहीं है। भाई वो तो अपनी मम्मी का चमचा बन गया इसीलिए। जी नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा खाना खाया आपने? नहीं बस खाना खाने ही जा रहा हूँ, सोचा आपको पहले फोन कर लेता हूँ, बाद में वक्त नहीं मिलेगा। बस बस नहीं रोते, माँ भी आ जाएगी। अक्षरा आप एक काम कीजिए, आप मेरा ढेर सारा प्यार ना नक्श अंशु और अनन्या में बांट लीजिए अपनी स्वीट सी किस देकर। और भाई मेरे हिस्से की किस आप संभाल के रखिए। आके आप अनन्या, अनन्या देख तेरा छोटा भाई रो रहा है ना, आजा इसको उस पे बिठा। हाँ अभी वो आएगी फिर तू लेटना। हाँ आजा। माँ शाबाश, आजा ले ले, बस 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 नहीं रोते,
अक्षरा आप जानती हैं मिस्टर राठौर ने हमारे डिजाइन के लिए क्या कहा? अरे मेरा छोटा राजकुमार। कमरे में ले जाती हूँ, सुला देती हूँ। लगता है वर्षा को बुरा लग गया।